आप देख रहे हैं अपना समाचार। रिवील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा भी मैंने बताया स्टेज पे कि सोशल मैसेज है आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतना बड़ा एक चीज़ बनती चली जा रही है, तो हम लोगों ने वो अपनी स्टोरी को थोड़ा फनी, थोड़ा सा एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जरिए ना आगे बढ़ाने की कोशिश की, बस ये इतना। और पोस्टर को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पोस्टर में दिखाई दे रही है, अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे धर्म को लेके? नहीं, कंट्रोवर्सी की बात है ही नहीं, ऐसा कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे जो स्टोरी मिलती है हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बस उसको कंट्रोवर्सी करने। एक्सपीरियंस क्या, मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से, सर से मैंने उल्टा सीखा काफ़ी। अभी तो काम करना बाकी है, अभी तो बहुत करना बाकी है, और अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। इस तरह का सब्जेक्ट ही नहीं, हर सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई। काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, कैजुअली नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा है। तो कोई भी फिल्म हो, अभी कमल चंद्रा की फिल्म है, अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे, वो ऑफर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो एक सवाल है मेरा, अनु सर तो आपने कास्ट किया है जो अपने आप में टैलेंट के प्रतिभा को फूट के भरी है, कितना आसान या मुश्किल होता है अनु सर को रोल देना और अनु सर का फिल्म में आना? अनु सर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुश नसीबी है, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन द आवर इंडस्ट्रीज। हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम बहुत मतलब उत्साहित हैं हमारी पूरी टीम। और हमारे साथ में दो और एक्टर्स हैं, मनोज जोशी जी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में वो भी, एंड अश्विनी कालशेखर भी हैं, वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं, वो भी शूट पर कहीं बिजी हैं हैदराबाद में, एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। सर की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नज़र डाले यार, तो काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। राइट ही इज़ अ लीड। कुछ बता सकते हैं अगर दर्शकों को? नहीं, कैरेक्टर का ये बताएंगे, कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान होंगी, जो हम लोग सोच रहे थे बहुत कुछ, अगर सर इतने एक्सपीरियंस हैं हमारे सीनियर हैं, तो जो बहुत मुश्किल है चीज़ें थी बहुत करने बिल्कुल उनको आसान बनाए। ये देखिए, आप सभी पूछेंगे, लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रवि गुप्ता जी का जो प्रोजेक्ट है ये, और उसका जो टाइटल है, वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है, हम दो हमारे बारा, आप समझे। मुट्ठी खुलने से पहले अंदाज़ा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है, सोना है कि डायमंड है, तो वो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाज़ा लग जाता है। वैसे एक कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में, हम सब के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, तो मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं,
हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। आप समझे ना, ये है। कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके। अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा डांस कर लेगा, ना हमारे पास शक्ल है ना सूरत है ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है, और आज ये हम दो हमारे 12 हैं, लेकिन आज ही मेरी अमेजोन ओरिजिनल सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स, आप देख सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो जब काम करो अच्छा काम करो, आप देखिए उसको। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से, सर इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर जैसे मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट दे रही है, अगर सर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए ये बेसिकली जो मूवी है जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, इसका जो टाइटल है अनु सर ने भी बताया कि बड़ा ही मतलब इसकी टाइटल ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव है अपने आप में, हम दो हमारे 12। और सर ने बोला भी कि अगर हम लोग इस तरह से अगर शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए तो कुछ टाइम में अगर ये ऐसे मैसेज नहीं गया देश को तो ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा और फिर हम लोग चाइना से भी ऊपर होंगे। तो ये बड़ा मैसेज मतलब अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हम हमारे दो होने से कितना फ़र्क पड़ता है और हमारे 12 होने से कितना फ़र्क पड़ता है। अच्छी बात है, एक नहीं बिल्कुल सही। सर आपके दूसरे इवेंट में मैं मौजूद था और यहाँ पर भी हूँ, आपने एक चीज़ कही है कि आप एक स्ट्रगलिंग अपना आर्टिस्ट खुद को समझते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त आप रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये डाउन टू अर्थ रहना, अपने आप को आईने के साथ क्लियर रखना कितना नहीं, क्या है भाई के देखिए अभी क्या, मैं 67 इयर्स का हो गया, तो इन 67 साल के स्ट्रगल के अंदर एक चीज़ सीखी है कि जब आपका टाइम आ रहा है और जब आप सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो माँ ने कहा था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तब भी इनको प्रणाम और सलाम करते चलिएगा, जब उतरेंगे तब भी यहीं पर खड़े हो गए, आप समझे ना मेरी बात। सो जो आदमी आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि एक व्यक्ति, हम जब लंबी इनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबी इनिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने खेली है, सारी फील्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो खेली है जिसका जो अभी चली गई 6 फरवरी को, जिनका नाम था लता मंगेशकर, सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, राज किया है लंबी इनिंग अपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी उस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया, आप समझे, नॉर्मल। उसके बाद इनिंग जो अभी उनकी बहन है आशा भोसले, और तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन आते हैं, अभी उनकी जितनी लंबी इनिंग है ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ठीक है, अभी अगले महीने नेक्स्ट 2 महीने के बाद वो 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है, बहुत लंबी इनिंग है, 1969 से स्टार्ट हुई थी, 73 से अगर मानूंगा मैं तो अगले साल कितने साल हो जाएंगे, बहुत लंबी इनिंग, बहुत पनी आप सोचिए 80 साल की इनिंग, हाँ। तो लंबी आप तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, सफलता मिली तारीफ मिली इधर से इधर चली गई, थैंक यू वेरी मच, तो वही ठीक रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अभी आम इन 40 सालों के अंदर न जाने कितने आए हीरो चले गए, न जाने कितनी हीरोइन आई चली गई, न जाने कितने आएंगे और जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर अपना पोटेंशियल है और जो हर संभाव से मतलब अपनी सक्सेस के टाइम पर अपने फ्लॉप होने के टाइम पर चीज़ों को कूलली लेता है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं आगे बढ़ने के। कमल जी आपसे एक सवाल है, डायरेक्टर बहुत यहाँ कमल जी हैं, वो पैसे वाले हैं, ये डायरेक्टर हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी आपके जीवन में, पिछले फिल्म में ऐसी भी रही है, तो कितनी कुछ मेहनत जब कुछ ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट चली गई कहाँ पे, मैं डायरेक्टली नाम लेना चाहूँगा बाला मूवी,
इसके बाद यहाँ पे अरे पुराने गड़े मुर्दे क्यों भाग रहे हो भाई? नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मेहनत बहुत लगती है डायरेक्टर की, हर चीज के स्क्रिप्ट पूरी टीम की। अभी उसके बाद मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, उसके पहले अभी इन्होंने हमारे साथ एक और फिल्म किया, हमने बूंदी रहता, इसका हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था, और अभी अगले महीने हम उसको रिलीज कर रहे हैं। उसमें हमने रवि किशन जी हैं, उसमें हिमांश कोहली है, सोनाली है, सोनाली सहगल है, शिल्पा शिंदे है, राजेश शर्मा जी हैं, एंड और भी काफ़ी, और कौन थे अपने, अलका अमीन, अलका अमीन है, राजेश शर्मा, और गोपाल दत्त है, नीरज सूद जी हैं। अच्छी फिल्म बनी है, तो अगले महीने आप लोग, हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, रिलीज कर रहे हैं OTT पे, तो आप लोग से, और रियल कॉमेडी है उसको, और रियल कॉमेडी है, सस रियल कॉमेडी फिल्म है, प्लस उसके अंदर में हम एक बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है वो हमने उसको दिखाया है, और हमारे डायरेक्टर काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसलिए हमने इनको सेकंड टाइम मौका दिया। हम लोग फिर हमारी यूनिट जो ये न्यू टेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये सेकंड मूवी बना रही है, और एक थर्ड भी हम लोग बायोपिक बड़ा जल्दी बनाने जा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी पे मूवी है वो भी, और वो भी सस्पेंस है, आप लोगों को फिर से इन्वाइट किया जाएगा और वो एक सस्पेंस को हटाया जाएगा। कमल जी इतना टैलेंटेड हैं, तभी हमने इनको मौका दिया, और थर्ड मूवी में भी बड़ा जल्दी मौका देने वाले हैं, और भी अभी एल्बम भी शूट करके आए इन्होंने बड़ा अच्छा, एक दो एल्बम और भी बड़ा अच्छा शूट किया इन्होंने, तो अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बता देता हूँ बाला फिल्म का क्या स्टेटस है, अभी मेरा केस है हाई कोर्ट में ही है, ठीक है, और अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया था, फिर से शुरू हो रहा है, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, पहुँचूँगा आगे। क्या बात है, ज़्यादा खुशी हो। मेरा एक सवाल आपसे, एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब भी मूवी रिलीज होती है, उससे पहले सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग निकलते हैं, हैशटैग बॉयकॉट, हाल ही में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की भी निकली है, हैशटैग निकली, तो कितना एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो टाइम के लिए? भैया आई नो नथिंग अबाउट ब्लडी हैशटैग, और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बस आई नो वन थिंग, that for the last 11 days, for the past 11 days, I have been busy doing PR for my Amazon original series called Crash Course, जो आज ही रिलीज हुई है, उसके कमाल के रिव्यूज़ हैं, तो उसमें ही मैं बिज़ी था। मेरा काम है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे इसलिए दिए हैं, डायरेक्टर ने भरोसा किया है, आपको काम है आप प्रमोट कर दीजिए जी, हमारा काम है प्रमोट का, वो हैश टैग है कि हैश है कि टैग है क्या मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट बॉदर अबाउट, आई एम टू बोरिंग ए पर्सन टू बी बॉदर अबाउट। सर हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन हैशटैग लाल सिंह चड्ढा, जो आमिर, व्हाट इज दैट, आमिर खान की मूवी आने वाली है, आई डोंट वॉच मूवीज, आई डोंट नो, नो कमेंट्स इन अदर मूवी, नहीं नहीं नो कमेंट्स नहीं, मैं मूवी नहीं देखता ना आपकी ना पराई बात करता, मुझे तो पता भी नहीं कौन है भाई, मुझे सचमुच पता नहीं, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है भाई, आई हैव नो आइडिया। सर इसके अलावा अभी आप सवाल बिंदास होकर पूछे, काफी चूजी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्ट चुनने से पहले क्या खास बात देखते हैं अगर उस बारे में? उस जो स्क्रिप्ट जिस प्रमाइस की है, क्या राइटर ने और डायरेक्टर ने उस प्रमाइस को, उस स्टोरी को जस्टिफाई किया है, नंबर वन। दूसरी बात, वो जो कैरेक्टर मुझे ऑफर किया जा रहा है, उसकी कैरेक्टर स्कीम, एक कैरेक्टर स्कीम एक टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है यहाँ पर, कैरेक्टर स्कीम स्कीम जो है वो डिवाइस है कि वो कैरेक्टर उस फिल्म में, उस प्रोजेक्ट में किस वजह से है और कितना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, लेंथ होने के बावजूद भी वो लूज कैरेक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है। सो कैरेक्टर स्कीम अगर इम्पॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्कीम मतलब उस कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है स्क्रिप्ट के अंदर, ये तीनों चीज़ों चारों मिलके जो है मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है। मैं अभी जैसे अभी साइन किए ड्रीम गर्ल 2, तो ड्रीम गर्ल 2 मैं बेशक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन डायरेक्टर राज शांडिल ने मुझे एक साथ काम कर चुके हैं, तो कह लें अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है, वो पहली पिता बनने वाले हैं, तो कह लें मैं भैया मैं आपको नरेशन दे देता हूँ, तो ही गेव मी नरेशन 1.5 आवर, रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो 15 मिनट से ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन विश्वास होता है। अब इनके ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं, अगली बार इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या है, विश्वास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार ये मेरे कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेंगे, मेरे मुझे प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे सारी की सारी। ड्रीम गर्ल 2 में और ज़्यादा बड़ा हो गया, वो जो कैरेक्टर ड्रीम गर्ल में था वो और ज़्यादा, उससे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका मतलब सोच समझ के उसने लिखी है वो सारी की सारी चीज़ें।
इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मेरे जैसे व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मैं रिजेक्ट करने में बड़ा मास्टर हूँ। अरे भाई कंट्रोवर्सी मत बोलो, इतना कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। पॉपुलेशन के लिए बात है भाई, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चाइना को छोड़ देंगे, इसलिए बोलो कंट्रोवर्शियल नहीं है। आप मुझे बताओ, आप क्या कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा। आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में तो बैन है, तो हमारे ये स्टोरी कहां है उसके बारे में? ये यूपी की स्टोरी है, यूपी में लखनऊ की स्टोरी है। हम लोग उन्होंने क्या कर रखा है पता नहीं है, बड़ी यूपी की लखनऊ की। देखिए, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इधर उधर की बात ना घुमा के, एक डायरेक्टर के पास एक सब्जेक्ट आता है, एक राइटर सब्जेक्ट को लेके आता है, एक आइडिया को लेके आता है। डायरेक्टर और राइटर के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखेंगे, वहाँ बैन है, वहाँ बैन नहीं है, ये वो नहीं है सब्जेक्ट। ये विट और ह्यूमर के माध्यम से, मैं कॉमेडी भी नहीं, विट ह्यूमर विनोद प्रिय के माध्यम से एक गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास है। जब फिल्म बन जाएगी तब आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं। रिलीज डेट हमारा बूंदी रहता है, हम प्लान कर रहे हैं सितंबर में, सितंबर का प्लान चल रहा है हमारा। एंड हम तो हमारे 2023 में उसको रिलीज करेंगे हम। ऐसे चाइल्ड ने अभी तो हम काम करेंगे, अभी तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ अच्छा ही लगेगा। बच्चों से क्या पूछ रहे अभी, अगले मंथ आने वाली, और बड़ा अच्छा रोल इसने किया है, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा, टैलेंटेड भी है, बड़ा धमाका वाला है। आज आप लोगों के सामने ये पहला दिन है, पोस्टर लॉन्च का दिन है, ये पोस्टर लॉन्च की अभी प्रथम चरण है, इसलिए अगर आप इसके अंतिम चरण की बात करेंगे कि फिल्म ने कैसा शेप लिया है, तो प्रथम चरण है भाई, फर्स्ट स्टेप है, उस पर हम सब लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, रवि गुप्ता जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए कि पोस्टर लॉन्च हो गया, हम दो हमारे 12, बात खत्म हो गई, बस।